देखिए काफी डरावनी गुफा है। इतना बड़ा उल्लू आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, वो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। ये विशाल किला कितना प्यारा लग रहा है, कितनी बंदी बनाया गया था उस टाइम पे जो आज भी जिंदा। आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, मेरा जूता फट चुका है और यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है। इस ट्रेन का नाम है खच्चर गाड़ी, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जोकर भी है। आज हम आपको इस वीडियो में रणथंभौर फोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। रणथंभौर फोर्ट है ये भारत का प्रसिद्ध फोर्ट है और इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये फोर्ट दूर से दिखाई नहीं देता है क्योंकि जंगल वाला पूरा एरिया है, तो ये जंगल से घिरा हुआ एरिया है और ये फोर्ट 7 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो इस किले में बहुत सारे महल बने हुए हैं, अलग अलग विभाजित महल है। तो हम आपको ऐसे ऐसे महल दिखाएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से वो सब बातें जानने को नहीं मिलेगी जो आपको उन्हें पहले देखा है, और हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे जिससे आप बोर होने का आपको मौका मिलेगा ही नहीं। हम आपको इसमें पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, रणथंभौर फोर्ट जाने के लिए ये रास्ता यहाँ से है और यहाँ से इसकी एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं ये रणथंभौर फोर्ट पूरा जंगल में पड़ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये इसका गेट है, आप देख सकते हैं, और ये सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बाद से पूरा जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो आज वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और फोर्ट आपको काफ़ी अच्छे से घुमाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे बंदरों ने अटैक कर दिया गया है, यहाँ पे इंसान के ऊपर काफी ज्यादा भारी मात्रा में बंदर। यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ से गुजरना पड़ेगा, यहाँ पे चेकिंग होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, देखिए आपको कैमरे में जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप उल्लू देख सकते हैं, तो ये इतना बड़ा उल्लू है मोर की तरह। तो रणथंभौर में ऐसे बहुत सारे इतने बड़े बड़े उल्लू मिलते हैं, आपको कहीं और पे नहीं मिलेंगे ऐसे उल्लू। ये रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसी में ऐसी चीजें मिलती है। तो आप देखिए कितना बड़ा उल्लू है, और इस उल्लू को देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो आप देखिए इधर रणथंभौर में जो घूमने आते हैं उनके कैंटर जिप्सी वगैरह, ये भी इनको खड़े खड़े देख रहे हैं आराम से। हमारे रणथंभौर में ऐसी दुर्लभ चीज़ें दिखती है, तो आपको पसंद आया होगा ये। आगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, ये रणथंभौर की वादियाँ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, और यहाँ पर पानी देखिए और कितना प्यारा सीन है। आपको देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, जो सामने पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे एक सांभर दिखेगा, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि वो सांभर उस पहाड़ के ऊपर भी सांभर है। तो देखिए आपको सांभर दिख रहा होगा, तो ये पहाड़ के वहाँ पे पहुँच चुका है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जानवर जो पहाड़ के ऊपर पूरे जंगल में से फैले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम फोर्ट जा रहे थे, फोर्ट जाने के लिए रास्ते में हमें एक अच्छी लोकेशन मिली है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, मैं खाई में खड़ा हूँ, ऊपर इसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो आपको दिखाता हूँ, देखो चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, हम खाई में हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सीन है, एक झरने टाइप का पानी बह रहा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जंगल के शांत माहौल में यहाँ पे आपको झरने की आवाज़ काफ़ी साफ आ रही होगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल। देखो पानी की आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पानी इधर से बह रहा है, और इतने शांत माहौल में ऐसी आवाज़ काफ़ी सुकून देती है। तो देखिए वहाँ से ये पानी आ रहा है, तो मैं आपको वहाँ चल के दिखा देता हूँ। तो देखिए पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, और ये रणथंभौर के किले के एंट्री के लिए जो ये फर्स्ट गेट है, उस टाइम पे जो दुर्ग होते थे तो ये यहाँ पे फर्स्ट गेट बना रखा था, उसी टाइम का गेट है। और इस पानी को ये बैरिकेड से कवर कर रखा है क्योंकि यहाँ पे गणेश मेला लगता है, तो यात्रीगण जो आते हैं तो वो इसमें नहा लेते हैं। और यहाँ पर नहाना थोड़ा डेंजर है क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ भी रहते हैं। तो इस गौमुख में से पानी आ रहा है, देखिए ये गौमुख है, यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से बेता बेता जंगल से बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंचुरी का टाइम आउट हो चुका है, जो सेंचुरी में जो गाड़ियाँ जाती है वो अभी इस टाइम पे वापस आती है। तो देखिए अभी लाइन वाई गाड़ियाँ बहुत सारी जिप्सियाँ के एंटर वहाँ से निकल रहे हैं जंगल में से। ये मॉर्निंग की पारी में जाते हैं 5-6 के करीब, तो ये आने का टाइम है। तो ये जंगल की खूबसूरती आप देखिए, एकदम इतना पेड़ पौधे, घने घने पेड़, और मोर भी आपको दिख रहा होगा जंगल का, ये देखिए। ये बहुत सारे कैंटर जाते हैं पारियों में, तो अभी इनका आने का टाइम है। तो देखिए लाइन बाई आ रहे हैं कि दूर दूर से रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमने आते हैं, तो उनको घुमाने के लिए जिप्सियाँ कैंटर जाती है। तो अगर आप भी आना चाहो तो यहाँ पे एक बार जरूर आना। पानी का झरना देखिए, इस पानी का चलो आपको पास में जाके दिखाता हूँ, ये बहुत तेज झरना बहता है बारिश के टाइम पे। अभी बारिश का टाइम है नहीं,
लेकिन मैं इसके पास जाके दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड देखिए, एक पानी यहाँ पे रोका हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफी तेज झरना नीचे बहता है। तो आप ये पानी देखिए कितना शांत पानी है, एकदम ग्रीन ग्रीन हो रहा है इसके अंदर। पता नहीं पेड़ पौधे पता नहीं क्या क्या उग रहा है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है दूर से देखने पे। और जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मगरमच्छ भी बहुत सारे पड़े हैं, देखिए आराम से लेटे हुए हैं वो, यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मगरमच्छ दिख रहे होंगे, आप देखिए वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ सो रहे हैं। और ये पानी एकदम शांत पानी है, इसके अंदर देखिए आपको ग्रीन ग्रीन देखिए क्या दिख रहे हैं, ऐसे कांच की तरह दिख रहे हैं। ऊपर के पेड़ पौधे भी इस पानी में कांच की तरह दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सीन भी काफी अच्छा है, देख के आपको काफी अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे शूट कर रहे हैं लोग मगरमच्छ को, तो बड़े बड़े कैमरों से आप देख सकते हैं। एक मैडम है जो DSLR से बड़े उससे यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे, आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो अभी हम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं हम ऊंचाई पे हैं। और यहाँ पे भी आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। देखिए ये पहाड़ है, दो तीन पहाड़ वहां दिख रहे हैं। तो ये जो पर्वतमाला है, ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का यहाँ पे मिलन होता है रणथंभौर में। तो दो पर्वतमाला का यहाँ पे मिलन होता है, इसी वजह से ये चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां है। और इन्हीं पहाड़ियों को पार करने के बाद रणथंभौर का फोर्ट है जो आगे दिखेगा, तो आपको दिखाएंगे। जब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। जंगल में यहाँ पे जगह जगह पे भी सावधानी बोर्ड लगा रखे हैं। देखिए 15 सेंटीमीटर से अधिक पानी होने पर आप सड़क पार नहीं करें। आगे और भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड है। देखिए पानी में नहाना मना, अभी तो पानी है नहीं, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफी ज्यादा पानी हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड लगा रखे हैं जिनमें हिंसक जानवरों से बचने के लिए सलाह दी गई है कि आप जंगल की जो सड़क है इससे अलावा कहीं और ना जाएं, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। तो हमें इनकी पालना करनी होगी। आप कभी आओ तो इधर अंदर नहीं जा सकते आप जंगल के अंदर। और यहाँ पे चौकियाँ बना रखी जो जंगल में जाते हैं उनके लिए ऐसी चौकियाँ है। तो यहाँ पे रेंजर रहते हैं और जंगल में एंट्री के लिए यहाँ से जो छोटे छोटे गेट है, यहाँ से सेंचुरी के लिए जो कैंटर जिप्सियाँ जाती है वो जाते हैं। देखिए जोन नंबर 4 है, ये प्रवेश द्वार है, ये जंगल में सेंचुरी के लिए जो टिकट करके जाते हैं, अंदर टाइगर वगैरह दिखते हैं तो यहीं से गाड़ियाँ एंट्री होती है। एक गेट ये है, जोन नंबर 2 ये है और एक जोन ये है। तो कभी आप आओगे तो इन्हीं जोनों से आपको घुमाया जाता है अंदर जंगल के अंदर। तो हम तो अभी फोर्ट देखने जा रहे हैं, तो आपको फोर्ट अच्छे से दिखाएंगे आज। अब यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, तो उस पर हमारी गाड़ी चढ़ रही है, देखिए एकदम खड़ी चढ़ा रहे। तो यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ ही आपको पता लग रहा होगा। और देखिए ऊपर इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़ और बीच में हम। और अब देखिए बंदरों का यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, तो बहुत सारे बंदर है, इनसे भी बच के रहना, ये सामान वगैरह छीन लेते हैं। तो देखिए ये सीन देखिए, इधर का पहाड़ एकदम सीधा लेटा हुआ पहाड़ है। और ये जो मस्जिद टाइप है, यहाँ पे भी एक बार टाइगर आया था, तो यहाँ पे टाइगर जंगल से बाहर आते रहते हैं। और हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि आज हम आपको शायद कैप्चर करके दिखाएं, अगर दिखेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, तो बने रहना वीडियो में। यहाँ पे आया था एक टाइगर अभी 2-3 दिन पहले। और अब हम फाइनली फोर्ट के पास पहुंच चुके हैं, तो आपको फोर्ट की पहली झलक यहां से दिखा देता हूं। देखिए आप ऊपर जो बाउंड्री दिख रही है, ये फोर्ट की बाउंड्री है, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो अब इसका मेन गेट आगे है, तो वहीं से आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहां से आपको पहला लुक दिख चुका है इसका। तो देखिए ये कैसे कैसे पेड़ है, इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लग रहे हैं, ऊपर किला है, तो वो आगे से दिखाएंगे। गेट इसका यहाँ से है। फाइनली ये देखिए इसका मेन गेट है इधर, और इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है संडे के वजह से, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी होगी। पार्क करने के बाद ही हम फोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, फॉरेस्ट की गाड़ी है स्पेशल जो गणेश जी के लिए आते हैं उनको घुमाने के लिए। तो यहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद में फोर्ट चलेंगे। फोर्ट का ये फर्स्ट सीन देखिए, सुबह मॉर्निंग में आए तो यहाँ पे बंदरों का नाश्ता चल रहे हैं, आप देखिए दोनों हाथ से बंदर अमरूद खा रहा है। तो अभी हम फोर्ट के सामने हैं और ये फोर्ट का सीन आप देख सकते हैं, ये पूरा फोर्ट है और इसका ये मेन गेट है। और रणथंभौर की बात करें तो इतना फेमस है कि यहाँ पे आप ये देखिए गाड़ियाँ देखिए कहाँ कहाँ से आती है। ये मेरे सामने एक मर्सिडीज खड़ी है, छत्तीसगढ़ की गाड़ी है, तो आप देख सकते हैं इसकी कितना विख्यात है हमारा रणथंभौर, पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग बाग देखने को आते हैं। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं और आपको आगे का सीन दिखाते हैं। और यहाँ पर बंदरों का आतंक शुरू हो चुका है, देखिए नाश्ता हो रहा है। अब यहाँ से चढ़ते हैं, तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
यहाँ पे वर्जनों के लिए ये कुर्सियाँ इन पे बिठा के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अगर आपके घर में कोई वर्जन है तो उनके लिए भी यहाँ पे देखिए इस पे बिठाते हैं, दो आदमी ले जाते हैं। और अब है यहाँ पे मेन गेट, पहला गेट जो इस किले का पहला गेट है। देखिए कितना विशाल गेट है ये, आप मेरे पूरे कैमरे में एंगल नहीं आ रहा तो आप देखिए। और इस गेट पे भी ये कीले लगा रखी है ताकि हाथी वगैरह से तोड़ने में दिक्कत होती थी। बम बम बोले। आज क्या बने हो आप? आज जोकर। तो देखिए यहाँ पे जोकर भी है एंटरटेनमेंट के लिए। तो अब आगे चलते हैं। देखिए ये अब हम एंट्री कर लिए। एंट्री करने के बाद ये प्राचीरें और ये ऐसे बना हुआ है ढांचा आधा अधूरा। तो ये सीढ़ियों के थ्रू हम ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक, वहाँ तक, ऊपर अंदर। वो यहाँ पे हनुमान जी की फर्स्ट प्रतिमा है। तो जय हनुमान, जय हनुमान। रणथंभौर के इतिहास के बारे में यहाँ पे देखिए लिख रखा, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके आगे हम इधर चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए पेड़ कैसे कैसे पेड़ है यहाँ पे, पत्ती है ना, पत्ता है, अजीब तरह के पेड़ है। देखिए आपको अच्छे लगेंगे। तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे एक गेट आएगा, वहाँ पे कुछ एक थोड़ी हिस्ट्री है उसके बारे में फिर बात कर लेंगे। तो देखिए आपका पीछे से व्यू, हम वहाँ से आए थे, हमारे पीछे लोग वग आ रहे हैं और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक सीन देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, ये देखिए ये बड़ा गेट है। इसके पास ये जो मूर्ति रखी है, ये यहाँ पे 1301 में युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के और हम्मीर के बीच में। तो उनमें हम्मीर का सेनापति था रणमल और रतिपाल, तो इन्होंने गद्दारी करके अलाउद्दीन की सेना से मिलके और यहाँ के गेट खोल दिए थे। तो ये यहाँ का गद्दार है, तो इसकी गर्दन काट दी थी और गर्दन काटने के बाद इसकी मूर्ति यहीं पे ऐसे विस्थापित कर रखी है। तो ये गद्दार था यहाँ का। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये देखें कितना विशाल गेट है, और गेट पे आप देख सकते हैं इनकी विशालता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको देख के, कितने मोटे होते थे। देखिए इनकी मोटाई, ये लोहे की परत ऊपर, और इतना बड़ा गेट होता था। उसके आगे अब हम चलते हैं। तो यहाँ से आपको फोर्ट दिख रहा होगा ऊपर तक। अब चलो आपको यहाँ के एक जंगल का पूरा सीन दिखाता हूँ ऊपर से। तो ये बाउंड्री है और यहाँ से देखिए ये जंगल का पूरा सीन आप देख सकते हैं, पूरा जंगल कहाँ तक फैला हुआ है। ये पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखेगी आपको दूर दूर तक। ये जो बात करें, ये एक तालाब बना रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी का एक जंगल में जो जानवर होते हैं यहाँ पे पीते पानी वगैरह। एक तालाब वहाँ पे आपको दूर से दिख रहा होगा, दूर पे वो देखिए वहाँ पे, और पूरा जंगल है, इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। और बंदरों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, ऊपर से हमें पता भी नहीं था ऊपर बंदर थे। चलो आगे चलते हैं। हो सकता है इधर बंदर है, इधर कुत्ता है। अब देखना होगा, लड़ाई इंटरेस्टिंग है। और मंदिर निर्माण के लिए जो सामग्री लेके जाते हैं, तो इन्हीं खच्चरों के द्वारा लेके जाते हैं, इन पे पत्थर वगैरह सीमेंट वगैरह यहीं से लेके जाते हैं। यहाँ पे एक छतरी है, तो इस छतरी पे जाके हमें आपको यहाँ का सीन दिखाएंगे कि यहाँ से कैसा दिखता है पूरा फोर्ट और पूरा यहाँ का जंगल। तो देखिए छतरी थी यहाँ पे, पहले द्वारपाल अंगरक्षक वगैरह होते थे। तो यहाँ पे हम खड़े हैं अभी। तो ये देखिए पूरा सीन, देखिए आप पूरे जंगल का एक बार। हम वहाँ से आए थे, हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क है, और वहाँ से हम ऐसे घूमते 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 यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और वहाँ पे आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी जंगल के अंदर, ये जोगी महल है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं बड़े बड़े लोग, तो वहीं पे बैठ के पूरे जंगल को निहारते हैं, और वहाँ पे भी टाइगर आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा सीन है वहाँ पे, जंगल के अंदर बनाया गया है। और जो आपको दूर दूर तक वो रास्ते दिख रहे होंगे, इन्हीं रास्तों से सेंचुरी के लिए जो गाड़ियाँ जाती है कैंटर जिप्सी, अब इन्हीं के रास्तों से आगे पूरे जंगल में जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो ये निशान दिख रहे हैं घोड़े के पैर है और दो पैर ऊपर है। तो यहाँ पे ऐसी कहानी है कि जो राजा युद्धभूमि से आया था तो गलत झंडा दिखा दिया गया था, राजा जीत गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लाल झंडा दिखा दिया गया था, उस वजह से यहाँ पे जौहर वगैरह हो गया था, मतलब गलत सूचना देने पे। तो राजा युद्धभूमि से यहाँ पे अर्जेंट में आया और यहीं से इस पहाड़ से ही ऊपर घोड़ा चढ़ा दिया था। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है, लोग बाग बोलते हैं, पता नहीं इसका क्या सच है, लेकिन आप यहाँ पे घोड़े के निशान देख सकते हैं, दो निशान वहाँ पे ऊपर है। उसके बाद में यहाँ पे अब ये सेकंड पोल है, तो आप देखिए ये भी काफ़ी विशाल दरवाज़ा है, और राजस्थान में हमारे दरवाजे को पोल ही बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोने पे एक ये हनुमान जी का मंदिर बना रखा है। तो आप देख सकते हैं इस विशाल प्राचीरों के बारे में। उसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए कचरा पात्र कोने बना रखे हैं। अब यहाँ पे सीढ़ियाँ एकदम खड़ी है, यहाँ से खड़ी चढ़ान है, तो इस पर हम चढ़ेंगे ऊपर। आज संडे का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो बहुत सारी पब्लिक आई हुई है देखने के लिए। और यहाँ पे एक ट्रेन आ चुकी है, इस ट्रेन का नाम है खच्चर गाड़ी, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा।
क्योंकि ऊपर सावन पहुंचाते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट गेट है, आप देख सकते हैं इस गेट के ऊपर एक झरोका है जहाँ से अंगरक्षक जो भी होता था वहाँ पे ऊपर से पूरा सीन देखते रहते थे किले का नीचे का। तो ये नीचे का इधर से हम आए थे, इधर हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे तीन चार रास्ते दिखते हैं, जो यहाँ पे कोई भी आता तो कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे दुश्मन सेना कोई भी आता था तो एक रास्ता इधर जंगल में जा रहा है, एक इधर है, इधर से हम आए थे। और ये हाथी पोल है, इसके अंदर हाथी वगैरह जाते थे, इसका नाम हाथी पोल था। और यहाँ पे एक बंदी बनाया गया था उस टाइम पे, जो आज भी जिंदा, आपको ताजुब होगा, ये देखिए बंदी आज भी जेल में बंद है। इस बंदी को तो आप पहचानते ही होंगे, तो इसकी हम जमानत करवाएंगे अभी। तो एक जर्जर भवन था, उसका अभी काम चल रहा है, तो हमें एंट्री नहीं थी, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करके आ गए। और यहाँ से जो सीन दिखेगा वो आप देख सकते हैं एकदम पूरा। अब यहाँ पे मैं जोगी महल की बात कर रहा था, वो यहाँ से आपको क्लियर दिख भी जाएगा। देखिए जो बिल्डिंग है, ये जोगी महल है, यहाँ पे लोग फोटो शूट कर रहे हैं। और ये किला है, उसी किले की बाउंड्री पे जो आपको मैंने नीचे से दिखाई थी वहाँ पे हम हैं। और इधर से हम आए थे, तो ये पूरा एक सीन दिख जाएगा। और यहाँ पे जो आप ये छेद देख रहे हैं, यहाँ से जो सैनिक होते थे नीचे का देखते थे कि नीचे का सीन, नीचे क्या क्या हलचल हो रही थी। और ये यहीं से तीर चलते थे युद्ध के टाइम पे, उस टाइम पे बंदूकें तो होती नहीं थी। ये पूरा जंगल जो पूरा फोर्ट बसा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखे हैं, आप इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ये इस पूरे रणथंभौर फोर्ट का मैप है, ये देखिए पद्मला तालाब है, ये भी आपको दिखाएंगे। और ये गणेश टेम्पल है, यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। और ये पूरा है, आप देखना इसको, हम आगे आ चुके हैं। यहाँ पे पानी का प्याव है, तो पानी वानी यात्रियों के लिए। गणेश मंदिर का रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर जाता, आते टाइम हम इधर से आएंगे। व्यूअर ध्यान दें, आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको कमेंट में भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। यहाँ पे आप पेड़ों की, ये देखिए कितनी अच्छी पेड़ है, इनके नीचे गुफाओं बाबा की, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड़ उनके ऊपर ये झाड़ियाँ ऐसे लग चुकी है, तो देखने में काफ़ी प्यारी लगती है, आप देख सकते हैं। और अब आगे इधर का एक, यहाँ पे तीन रास्ते आ चुके हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको एक तालाब दिखाता हूँ, आपने ऐसा तालाब कभी नहीं देखा होगा, आप देखना। देखिए ये यहाँ पे एक तालाब है, और ये पूरा रेड तालाब है, आप देख सकते हैं कितना, मतलब देखने में कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि इसके अंदर कचरा और पेड़ पत्तियाँ की वजह से ऐसा रेड रेड दिख रहा है, लेकिन दूर से देखने पे आँखों में काफ़ी सुकून मिलता है। ये तालाब था, यहाँ पे रानियाँ वगैरह यहाँ पे नहाती थी, तो उनके लिए वो जो आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ से वो कपड़े वड़े वगैरह कुछ भी वहाँ पे, और यहाँ पे वो नहाती थी। तो ये उनका स्नानागार था, ये उनका बाथरूम था प्राचीन ज़माने का। तो देखिए आपको काफ़ी प्यारा लगा होगा ये सीन। अब एक छोटा गेट है, इसमें से एंट्री होगी, इसके बाद मैं आपको एक बहुत फेमस चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप ये जो महल टाइप का देख रहे हैं, 32 खंभों की छतरी है। और इस खंभों की छतरी के बारे में बात करें, यहाँ का राजा हम्मीर था, उसने अपने पिताजी की याद में ये महल बनवाया था, उनके 32 सालों के शासन का जो अच्छा था उसकी याद में 32 खंभों की छतरियाँ बनाई थी उनकी याद में, क्योंकि उनका कार्यकाल 32 सालों का बहुत ही अच्छा रहा था, उस उपलक्ष में ये 32 खंभों की छतरी बनाई थी। तो चलो इसको ऊपर चल के आपको इसकी थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे एंट्री के लिए आपको देखिए पता नहीं क्या बना रखा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये इसका गेट है छोटा सा। तो फ्रेंड्स अभी हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमें किसी ने बताया कि जो ये छेद है इनमें से दीपक दिखता है, क्योंकि इसके अंदर मंदिर है। तो यहाँ पे अभी आपको मंदिर दिखेगा दीपक, अभी दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से देखिए आपको हल्का सा दिख रहा होगा, दीपक दिखता है यहाँ से। इसके नीचे मंदिर है, तो हम आपको नीचे जाके दिखा देंगे। अगर आपको अच्छे से वो उस मंदिर को देखना है तो हमारा दूसरा वीडियो, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दे दूंगा मैं। तो ये 32 खंभों की छतरी है, काफ़ी विशाल है, आप देख सकते हैं एक छतरी इधर बना रखी है, ये 32 खंभों की छतरी है। बत्तीस खंभों की छतरी पर आने से यहाँ पे हमें एक आधा संरचना दिखी, एक आधे महल की,
तो ये जो महल था यहाँ पे एक रानी थी उसने बनवाया था, तो आधा बनवा के वो यहाँ से चली गई थी, तो इसका कार्य वहीं पे रुक गया था। तो ये आधा बना हुआ है, आप देख सकते हैं आज भी आधा ही बना हुआ है। अगर ये पूरा हो जाता तो ये भी एक अच्छी यहाँ पे एक महल हो सकता था। ये यहाँ का रणथंभौर का महल था, वहाँ पे जाने की एंट्री नहीं है क्योंकि वहाँ के प्राचीन जमाने का बारूद रखा हुआ है, तो अंदर इसलिए जाने नहीं देते कि किसी का बारूद पैर रख जाए वो इस दुनिया से ही चला जाए, इस वजह से वहाँ पे एंट्री बैन है। अभी हम मंदिर जाएंगे इधर से। यहाँ पे 32 खंभों की छतरी के नीचे देखिए, ये यहाँ से नीचे से बना रखा है, तो आप इनकी कलाकारी देखिए उस जमाने पे। और यहाँ पे बंदर काफी अटैक कर रहे हैं, काफी लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी हम गार्डन के पास में, यहाँ से आपको 32 खंभे की छतरी वो दिख रही है जहाँ से अभी हम आए थे, और यहाँ पे हम महल की साइड आए थे कि इसमें एंट्री के लिए कहीं परमिशन दे दे, तो अभी हम पूछ के बात करेंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है प्रवेश निषेध, अमीर महल था जो यहाँ पे निवास करते थे, यहाँ के राजा थे। अभी ये लॉक कर रखा है, नो एंट्री, और बंद है गेट, तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो आप देख सकते हैं रणथंभौर का विशाल प्राचीर के अंदर बसा हुआ किला। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक गुफा दिखी है, इस गुफा के देखिए आप, ये गुफा है, अभी इसको प्रेजेंट टाइम पे बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा बोलते थे कि ये गुफा थी जो काफ़ी दूर दूर तक जाती थी, दिल्ली तक भी जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में इनको बंद कर रखा है। और ये जा रहा दिल्ली, बाय 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 बाय, आगे से बंद कर रखा है। तो ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जिनको अभी बंद कर दिया वर्तमान काल में। तो अभी हम गणेश जी जा रहे हैं, और गणेश जी का रास्ता ये है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो मंदिर जमीन के अंदर है, पाताल के अंदर, तो उसमें भी हम जाके आपको दिखाएंगे। इस मंदिर का नाम है पाताली देवी मंदिर, तो उसके लिए रास्ता इधर से है, ये पाताल में मतलब अंदर जाके होगा, तो सूझबूझ खोल के आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। तो रास्ता ऐसे है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है अंदर जाने के लिए। तो देखिए पहले मंदिर कहाँ कहाँ भी होते थे, मतलब पाताल के अंदर ही मंदिर बना रखे थे। ओ तो यहाँ पे ऋषि मुनि जी पूजा कर रहे हैं, और ये माता जी का मंदिर है, तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा लाइट जला के आपको दिखाता हूँ माता जी का मंदिर है ये पाताली देवी का, और यहाँ पे भी पहले पूजा अर्चना साधना करते थे साधु वगैरह। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है अंदर, और वहाँ से हम आए थे, इधर रोशनी आ रही है। ये यहाँ पे एक पंडित जी है जो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मंदिर का दर्शन करने के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पद्मला तालाब है, और तालाब के पास में जो प्राचीर देख रहे हैं ये महल की थी, थोड़ी अभी जर्जर अवस्था में हो चुकी है। अगर गवर्नमेंट इनको संरक्षण दे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इन पर ध्यान नहीं देती है। अब इस तालाब के बारे में बात करें तो यहाँ की एक हिस्ट्री है, इधर महल था, तो रानी जब यहाँ पर युद्ध हुआ था तो अपने साथ एक पारस पत्र लेके इस में कूद गई थी, और यहाँ पर जलजोर किया था, 1301 की बात है। तो ऐसे बोलते हैं कि रानी के पास एक पारस पत्र नाम की कोई धातु थी, जिसको टच करने से, लोहे पर टच करने से वो सोना बन जाता था, तो इसमें लेके वो कूद गई थी पद्मला तालाब में। और यहाँ पे इस तालाब की खुदाई भी गवर्नमेंट के द्वारा करवाई गई थी, उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन आज तक वो पारस पत्र मिला नहीं है। तो ऐसी यहाँ की कहानी है जो हम सुनते आए हैं। अब चलते हैं गणेश मंदिर, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे गणेश जी के, और यहाँ पे नेतागण आए हैं। तो देखिए राजस्थान की वेशभूषा, काफ़ी अच्छी वेशभूषा है यहाँ की। जो आपको दिख रहे हैं ये संरचनाएँ, ये घर है, यहाँ की मान्यता है कि गणेश जी के जो भी आता है यहाँ पे पत्थरों से घर बनाता है, और ऐसी मान्यता मांगते हैं गणेश जी से, मानने के बाद ऐसा कैसा घर उनको मिल जाता है, ऐसी कामनाएं करते हैं यहाँ पे। अभी 2 मंजिल इनका घर हो चुका है, तो दूसरे का घर से पत्थर नहीं लेते, ऐसा भी है, खुद का पत्थर ढूंढ के ही यहाँ पे बनाते हैं। इस कुंड में प्रवेश निषेध कर दिया गया, पहले यहाँ पे गेट था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे मना कर रखा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखा है, तो यहाँ से इसको बंद कर दिया गया है। तो अब हम फाइनली रणथंभौर फोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं, का काम चल रहा है, और ये खंडर अवस्था में है अभी, और ऊपर देखिए वो दूसरी पहाड़ी है, बीच में खाई है, बहुत गहरी खाई है। तो ये जो पूरा फोर्ट है एक पहाड़ी पे, इसके चारों तरफ खाई है, उसके बाद वो दूसरा पहाड़ है। अभी आपको जो ये संरचना दिख रही है, थोड़ा एक पहाड़ ऐसा बना रखा है, यहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे चक्की थी, और वहाँ पे 2 पहाड़ थे, तो यहाँ पे गेहूँ को पीसते थे, आटा बनाते थे, यहाँ पे
दुर्ग में रहने वाले सभी के लिए। तो हम ऊपर चल के आपको दिखाएंगे कि ये आटा चक्की का क्या सीन है। तो मैं भी इस पे ऊपर चढ़ के देख के आऊँगा कि आटा चक्की कैसी थी, आपको भी दिखाऊंगा कि इस आटा चक्की के बारे में। अब ऊपर ऊपर वो सावधानी से यहाँ पे बंदर ने पोटी कर रखी है और यहाँ पे स्लिप होने का मतलब है हाथ पर तुड़वाना। तो देखिए आपको ऊपर से दिखाई देता हूँ, ये देखिए चक्की थी, मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे मतलब गेहूं एक पार्ट इसका और भी होगा ऊपर, पता नहीं नीचे था ऊपर था ले गया, लेकिन एक पार्ट ये था और यहाँ पे इसमें गेहूं डाला जाता था और इसको यहाँ से आटा बना के आगे जो गोदाम है वहां पे इसको सप्लाई किया जाता होगा। मोगेम्बो क्या हुआ? अरे क्या हुआ भैया, इसकी याद में पड़े हो? हेलो, अरे सो रहा भाई, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सर। तो देखिए अभी हम रणथंभौर ये गणेश मंदिर है जस्ट उसके सामने है, यहाँ हम सूज वगैरह खोलेंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे और फिर यहाँ से हाथ वाथ धोने के बाद हम मंदिर में दर्शन करेंगे। तो यहाँ का आपका ये देख सकते हैं, ये पूरा एक चौक बना रखा है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं लड्डू की और मिठाइयों की। तो यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और फिर एंट्री करेंगे। तो आज मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। अभी हमने गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मन में फीलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है और अभी आरती का टाइम हो चुका है, आरती चल रही है। तो यहाँ पे आने के बाद मन काफ़ी अच्छा हो जाता है फ्रेंड, अंदर तक आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पीछे आरती चल रही है। तो अभी हमने मंदिर के दर्शन करने के बाद हम इस मंदिर के पीछे एक किला है वहाँ पे जाएंगे, तो वो भी खाई में किला है, उसका रास्ता आगे से। तो काफ़ी अच्छा किला आपको दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो खाई के अंदर बना हुआ किला है। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, चलते हैं खाई के अंदर देखने के लिए। तो ये रास्ता यहाँ से है, ये कच्चा रास्ता है, तो इसके नीचे नीचे इधर से जाएंगे हम, यहाँ पे पैर स्लिप हो रहे हैं, ये थोड़ा खाई में उसकी जो गणेश जी मंदिर था उसके जस्ट नीचे खाई है, बहुत नीचे वहाँ पर है ये। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, जो जर्जर जो महल टाइप के थे इनका वापस से इनका निर्माण किया जा रहा है। तो आप देखिए इनको वापस से अच्छे कर रहे हैं ताकि अच्छा लुक लगे, देखने वाले आए तो उनको काफ़ी अच्छा लगे। तो ये जो कच्चा माल है ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से इतना कौन लाए, उसके लिए ये पाइप के थ्रू वहाँ पर माल बनता है, यहाँ पर माल आता है और इसी से फिर इस महल का निर्माण करते हैं। तो हमको चलना है इधर, वहाँ पर गेट है तो इधर से हम चलते हैं। तो अब हम खाई में आ चुके हैं, खाई का ये पहला गेट है, यहाँ पे आपको एक कुआं दिखेगा, देखिए छुपा हुआ मतलब कुआं है, पेड़ पौधे से छुपा हुआ है और ये कुआं है, इसके अंदर ये देखिए पानी भी होगा। और ये हमारा गेट इधर है, ये टूटा हुआ है, देखिए टूट चुका है बिल्कुल। तो इसको 8 से 5 यहाँ का टाइम है एंट्री का, तो इसके अंदर जाएंगे और ये खाई में जाता ही जाएगा, हम काफ़ी अंदर तक चल जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे चेकिंग के लिए शायद पहले के टाइम पे कोई रख सक रहते होंगे, उनके लिए एक रूम बना रखे। तो टूट, अरे हाथ मत लगाओ गिर जाएगा भाई। देखिए अब ये खाई और ऊपर की जो आपको दीवारें देखेंगे वो देखो कितनी मजबूत दीवार, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें। और यहाँ पे एक इतना बड़ा पेड़ था वो टूट के गिर चुका है, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, देखिए देखिए इतना विशाल पेड़ था ये। फर्स्ट गेट पार करने के बाद यहाँ पे एक सेकेंड गेट आया है,
आप देख सकते हैं। अरे इनको हाथ मत लगाओ, गिर जाएगा, ओए गिर जाएगा यार, कोई मुरमुरा जाएगा। और ये हम दुर्ग के पीछे आ गए, यहाँ पे भी ये दीवार है रणथंभौर फोर्ट की। अभी हम आ चुके हैं बाउंड्री के पास, यहाँ पे जो छेद है यहाँ से तीर चलती थी। और नीचे का सीन दिखाऊं आपको, देखिए कितना खाई है ये। अभी हम खाई में थे और खाई है, अब वहाँ का पार्ट देखिए, ये खाई है और अभी हम भी खाई में ही है, तो इसका अभी एंड नहीं हुआ है। हम काफ़ी गहराई में पहुँच चुके हैं, आप यहाँ का जंगल देख सकते हैं, बहुत गहराई है। आपको यहाँ का एंड का दिखेगा ही नहीं नीचे का कि कितना गहरा है। तो चलते और नीचे चलते हैं और वहाँ के देखते हैं, एक गुफा वहाँ पे दिख रही है आपको। तो देखिए हम नीचे जाए जा रहे हैं और यहाँ पे गेट आ रहे हैं, काफ़ी विशाल विशाल कलाकारी देखिए यहाँ पे, कितनी बारीकी कलाकृतियाँ हैं। और देखिए अभी भी खाई है इधर, तो अभी हम इधर चलेंगे। यहाँ पे शिव मंदिर है, तो यहाँ पे राजा पूजा करते थे, तो वो शिव मंदिर देख के आएंगे। इधर पानी ऊपर से देखिए, अभी बारिश का कोई टाइम नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी आ रहा है। एक मंदिर इधर है, तो थोड़ी सावधानी से हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए ये इसे लगा रखे हैं, रस्सियाँ बांध रखी ताकि कोई गिर नहीं जाए, क्योंकि नीचे खाई है। तो शिव मंदिर के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, इसको पकड़ के ऊपर जाएंगे हम। और यहाँ पे फिसलन भी है, तो थोड़ा सावधानी से। तो यहाँ एक गुफा में शिवलिंग है, मंदिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए शिवलिंग है, एक गुफा में बना हुआ है, और यहाँ पे गोमुख से पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। तो आप देखिए शिवलिंग पे हमेशा यहाँ पे पानी गिरता है ताकि भोले जी का गुस्सा शांत रहे। काफ़ी अद्भुत नज़ारा है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी कोई बारिश का टाइम नहीं, लेकिन हमेशा जब भी आप आएंगे तो आपको पानी गिरता ही मिलेगा। तो ऐसी अद्भुत चीज़ें बहुत कम होती है। तो आपको अच्छा लगा होगा शिव मंदिर, चलते हैं हम नीचे और नीचे के जाके खाएंगे, आपको सीन दिखाते हैं। फ्रेंड्स फोर्ट में घूमते घूमते हालत काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, मेरा जूता फट चुका है। देखिए इसमें छेद हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे उबड़ खाबड़ पत्थर ही पत्थर है, नुकुले नुकुले पत्थर, तो मेरे जूते में घुस गया और जूता पूरा फट चुका है। तो ये काफ़ी फनी है, अब घर पर जाना पड़ेगा। मेरा मन फटे अंदर टायर भी टूट फट गया। देखिए विशाल किला कितना प्यारा लग रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्री है, दो झरोके यहाँ से देखते रहते होंगे लोग बाग। प्राचीन जमाने में महल कितने विशाल होते थे, आज भी अपने ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते। तो उस ज़माने में ना कोई ऐसी मशीनें थी ना कुछ था, फिर भी इतनी अच्छी चीज़ें। तो रणथंभौर फोर्ट में यहाँ पे एक कब्रगाह भी है, और वहाँ पे ये शेख सफरुद्दीन की एक दरगाह है, और एक रास्ता वहाँ पे जंगल में जाता है, तो यहाँ पे ये दरगाह भी है। ये रास्ता है जो बाहर जाने का, यहाँ पे एक थोड़ा ढांचा टाइप का ये बना हुआ है, आधा महल टाइप का, और यहाँ से आपको पूरे जंगल का सीन दिख जाएगा। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ का सीन। और ये देखिए अब हम चलेंगे वहाँ पे। तो आज संडे का दिन है और क्राउड काफी ज्यादा है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना भीड़ है, स्कूल से यहाँ पे लोग बाग आए हुए हैं। तो इतनी भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा रणथंभौर कितना फेमस है, कि रणथंभौर फोर्ट को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी पीछे भीड़, काफ़ी थक चुके हैं पूरे जंगल में। हम सुबह यहाँ पे 7-8 बजे समथिंग आए थे, और घूमने के बाद हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी, अभी दिन के 2-3 समथिंग बज रहे होंगे। तो आप हमारी मेहनत को प्यार करना, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही प्यार दिखाना।